यानी हलासन। इसे करने के लिए मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। आप चाहें तो घुटने मोड़ सकते हैं। अपने हाथों को शरीर से सटा लें। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। इस तरह टांगों और कमर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसे अर्ध हलासन कहते हैं। बिगिनर्स इसे करने के बाद ही पूर्ण हलासन करें। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकें और फिर रिलैक्स करें। हलासन करने के लिए एक बार फिर इनहेल करें और टांगों को ऊपर उठाएं। फिर इन्हें सिर की तरफ झुकाएं और मैट पर उल्टा रख दें। आपके पैरों के अंगूठे मैट को छुएंगे। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकिए और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें। एक बार फिर इसे ट्राई करेंगे। इस आसन को करने से थायराइड के साथ साथ डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा, साथ ही आपके कंधे और कमर को मजबूती मिलेगी। अगर आपको गर्दन में चोट या सर्वाइकल की समस्या है तो इसका अभ्यास ना करें। हाई ब्लड प्रेशर या अस्थमा के पेशेंट डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे ट्राई करें। शुरुआत में हलासन का अभ्यास किसी योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। ऐसा ना करने से इंजरी हो सकती है। अगर आपको इस आसन से वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में परेशानी हो रही हो तो हाथों से लोअर बैक को सहारा दें और फिर धीरे धीरे बॉडी को नीचे रखें। प्लॉ पोज यानी हलासन करने से आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। ये डाइजेशन को बेहतर बनाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर करता है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये आसन बहुत ही असरदार है। इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ये आसन रीढ़ को लचीला बनाता है और कमर दर्द में भी आराम देता है। इस आसन को करने से स्ट्रेस और थकान दूर होती है। थायराइड के पेशेंट्स के लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा। इसी के साथ ये साइनोसाइटिस, इंसोमनिया और सरदर्द में भी बहुत फायदा पहुंचाता है। इनफर्टिलिटी की समस्या है तो इस आसन को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। आपको फायदा पहुंचेगा।